साफ है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया है। सातवें चरण के मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है। यूपी के सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में चुनाव प्रचार किया, जहां दोनों ही तरफ से आरोपों के तीर चलाए गए। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। नौकरी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों ही दिग्गज नेता माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में थे। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद के बैचलपुर में जनसभा की तो अखिलेश गाजीपुर की चुनावी रैली में शामिल थे। जाहिर है इलाका माफिया का था तो मुद्दा भी इससे अलग नहीं हो सकता। सीएम योगी ने मोहम्मदाबाद से सीना ठोकते हुए कहा कि हमने माफियाओं के अंत का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया और इन माफियाओं को इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है। और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं हमारा भी संकल्प, अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र का मोहम्मदाबाद वही इलाका है जहां के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर लगे थे। और मौजूदा दौर में मुख्तार के भतीजे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, जबकि मुख्तार के एक और भाई अफजार अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं, जिनके प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। हालांकि यहां वो मुख्तार का नाम लेने से बचते दिखे, मगर अखिलेश और अफजाल एक ही मंच पर मौजूद रहे। गाजीपुर से अखिलेश ने 400 पार के नारे पर बीजेपी को घेरा तो सीएम योगी ने भी समाजवादी सरकार में माफियाओं के आतंक की याद दिलाते हुए अखिलेश पर पलटवार किया। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर भी निशाना साधा और दोनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जजिया टैक्स, उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो, और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है, और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। साफ है कि पूर्वांचल के इस हिस्से में बीजेपी को 2M फैक्टर से पार पाना होगा, पहला मुस्लिम और दूसरा माफिया, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों में ये दोनों ही सियासत के समीकरण को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही वजह है कि आखिरी चरण के मतदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।